हेलो भाई लोग, मैं हूँ फैक्ट भाई और इसे सुनो। क्या लगता है, कहीं इससे तो गली बॉय ने इंस्पिरेशन नहीं ली थी? वेल, बिल्कुल नहीं, क्योंकि गली बॉय से बेहतर रैप सुनाने वाले इस कार्टून का नाम है कीमोन अच्छे, जिसने इंडिया में देवी देवताओं के कॉन्सेप्ट को पीछे छोड़ रैप के बीट्स को अपनाया था। क्या औकात क्या तेरा, कोई दूसरा मेरे को बताएगा मैं कौन है? साथ ही एक आम से इंडियन बच्चे और उसके नॉट सो गली बॉय टाइप रैपर मंकी की कहानी दिखाई थी, लेकिन इस अनोखे शो से कई गुना अनोखा शो था स्पॉन्जी बॉब स्क्वायर पैंट्स, जिसको जनता ने इतना पसंद किया कि बस उसके मर्चेंडाइज की बिक्री से मेकर्स की झोली में एक दो नहीं बल्कि 99,000 करोड़ रुपए आए थे। पर सवाल यह है कि आखिर इस ढोकले की शक्ल वाले कार्टून को बनाया किस देश ने था? अब दुनिया के मैप पर उसका नाम ढूंढने से पहले जापान पर अपनी नजर घुमा लो, क्योंकि वहां का एक कार्टून फेमस होते होते इतना फेमस हो गया कि जब उस पर फिल्में बनी तो उन फिल्म्स ने 12,000 करोड़ की कमाई की। ऐसे में सोचो सालों साल चलने वाले उस कार्टून ने कितना कमाया होगा। और उससे भी ज्यादा सोचने वाली बात ये है कि ये कार्टून कौन सा है जिसने जापान की कमाई में अपना योगदान दिया है। आइए जानते हैं इन और वीडियो कार्टून्स फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज। नंबर 1, USA। इस देश में बने कार्टून्स की शुरुआत हम उस कार्टून से करते हैं जिसकी पॉपुलैरिटी इतनी ज्यादा है कि इसके सिर्फ मर्चेंडाइज से 2019 में निकलोडियन ने 99,000 करोड़ रुपए कमाए थे। अब इससे पहले आप यहाँ वहाँ अपना दिमाग दौड़ाने लगे, मैं बता दूँ यहाँ स्पॉन्जी बॉब की बात हो रही है, जो अपने एक्वेटिक फ्रेंड्स के साथ मिलकर बिकिनी बॉटम की अंडर वाटर सिटी में खुराफात करता है, जो लिस्ट बढ़ते बढ़ते इतनी बढ़ गई है कि स्पॉन्जी बॉब स्क्वायर पैंट्स को 5th लॉन्गेस्ट रनिंग अमेरिकन एनिमेटेड सीरीज का टाइटल तो दे ही दिया गया। साथ ही निकलोडियन जिस पर ये टेलीकास्ट होता है उस चैनल पर भी स्पॉन्जी बॉब के एडवेंचर को हाईएस्ट रेटेड सीरीज का टैग दिया हुआ है। जानते हो क्यों? क्योंकि इस फेमस सीरीज के 13 सीजन बने हैं, जिसने 1999 से 2020 तक अपनी चिल्लर पार्टी वाली ऑडियंस को एंटरटेन करने का एक भी मौका नहीं छोड़ा। तभी तो इसकी पॉपुलैरिटी को देखते हुए स्पॉन्जी बॉब के मेकर्स ने इसके 2 स्पिन ऑफ कैंप कोरल, स्पॉन्जी बॉब अंडर ईयर्स एंड द पैट्रिक स्टार शो बनाया था, जो 2021 में प्रीमियर हुए थे। और इंटरेस्टिंगली इस स्पिन ऑफ ने ना सिर्फ मेकर्स की तरक्की करवाई बल्कि इसकी टेलीकास्टिंग अमेज़न प्राइम पर होने से चैनल की सेल्स भी 65 times ज्यादा हो गई। तभी तो स्पॉन्जी बॉब स्क्वायर पैंट्स को 6 एनी अवार्ड्स, 8 गोल्डन रील अवार्ड्स, 4 एमी अवार्ड्स और 18 किड्स चॉइस अवार्ड्स मिले हैं। इस लिस्ट में दूसरा कार्टून बेंटेन है, जिसकी एलियन बनने वाली शक्तियों ने कार्टून नेटवर्क को भी शक्तियां दी थी और कुछ यूं दी थी कि इस कार्टून की पॉपुलैरिटी की वजह से ये चैनल पर चलने वाला अब तक का सबसे लंबा फ्रेंचाइजी है, जिसने दुनिया भर में 45,000 करोड़ रुपीस अपने रिटेल सेल से कमाए, क्योंकि इसके 5 टेलीविजन सीरीज और 4 फिल्म्स 5 सालों के टाइम स्पैन में टेलीकास्ट हुए थे, जो इतने ज्यादा पॉपुलर थे कि इन्हें 3 एमी अवार्ड्स तक मिल चुके हैं। और अपनी इसी तरक्की को और बढ़ाने के लिए कार्टून के मेकर्स मैन ऑफ एक्शन स्टूडियोज और कार्टून नेटवर्क स्टूडियो मिलकर बेंटन के लाइव एक्शन स्ट्रीमिंग रोबोट सीरीज और स्पिन ऑफ सीरीज पर काम भी कर रहे हैं, ताकि एक बार फिर अपने सीरीज से वो ऑडियंस का दिल जीत सके। अगला कार्टून वो है जिसने हम जैसे भोले भाले बच्चों को ये दिखाया था कि चूहे बिल्ली भी शैतान हो सकते हैं। हाँ, मैं बात कर रहा हूँ टॉम एंड जेरी की, जो 1940s में ही बनना शुरू हो गया था और सिर्फ 18 सालों में उसके 114 शॉर्ट्स बनकर तैयार हो गए थे, जिन्होंने टेलीकास्ट होते ही इतना तहलका मचाया कि उन्हें 7 एकेडमी अवार्ड्स फॉर बेस्ट एनिमेटेड शॉर्ट फिल्म्स का टाइटल मिला था। और इन्हीं टाइटल्स को 4 चांद लगाने के लिए इसके मेकर्स MGM एनिमेशन विजुअल आर्ट्स ने इसके कई सारे स्पिन ऑफ जैसे द टॉम एंड जेरी शो 1975, द टॉम एंड जेरी कॉमेडी शो 1982, टॉम एंड जेरी किड्स 1990 से 1993 भी बनाए। किंतु हमारे जमाने में चलने वाले सिर्फ यही 2 कार्टून्स नहीं है जिन्हें USA ने दुनिया को दिया है। इसके अलावा द पावर पफ गर्ल्स, स्कूबी डू, पोपोय, ऑसवर्ल्ड, जॉनी ब्रेवो जैसे कई फेमस कार्टून्स भी दुनिया को USA की ही देन है। नंबर 2, UK। आई एम श्योर आपने बचपन में मम्मी पापा से कई राजा रानियों की कहानियां सुनी होंगी। ठीक ऐसी एक काल्पनिक कहानियों से थॉमस एंड फ्रेंड्स का जन्म हुआ था, जिसकी शुरुआत तब हुई जब यूके के रेवरेंड विल्बर्ट ऑड्री के बेटे क्रिस्टोफर ने अपने पापा से बेड टाइम स्टोरीज को एलैबोरेट करने की मांग कर दी, जिसे पूरा करने के लिए ऑड्री ने 1945 में द रेलवे सीरीज नाम की एक किताब को जन्म दिया। और इसी किताब के पन्नों को एनिमेशन का टच 1984 में थॉमस द टैंक इंजन एंड फ्रेंड्स के रूप में मिला, जिसके लिए यूके के प्रोडक्शन
ब्रिट ऑलक्रॉफ्ट ने ऑड्री को लगभग 50 लाख देकर उसके राइट्स खरीदे थे, जिनका सौदा इतना ज्यादा सफल हुआ कि सीरीज के पहले ही एपिसोड में थॉमस को 85 लाख लोगों की व्यूअरशिप मिली, जो ऑडियंस का नंबर और प्यार दोनों ही बढ़कर इतना बढ़ चुका है कि थॉमस आज दुनिया के लार्जेस्ट प्री स्कूल टॉय और टेलीविजन फ्रेंचाइजी में अपनी जगह बना चुका है, जिसके चलते उसकी साल भर की इनकम कुछ 7,629 करोड़ हो चुकी है। हालांकि जिस थॉमस ने बच्चों को कुछ 584 एपिसोड्स तक एंटरटेन किया था, उसने 37 साल बाद 2021 में अपना आखिरी राइड लेते हुए ऑडियंस को फाइनल वाला गुड बाय बोल दिया। अब यूके की कार्टून में अगले नंबर पर है वो जिन्होंने बिना डायलॉग्स के ही इतनी ज्यादा पॉपुलैरिटी हासिल की थी कि उसे पूरे 52 देशों में टेलीकास्ट किया गया था। एकदम सही, मैं मिस्टर बीन द एनिमेटेड सीरीज की ही बात कर रहा हूं, जिसके रंगीन कैरेक्टर ने वैसे तो 1990 में टीवी जगत में एंट्री मारी, किंतु 1995 में जब इन्होंने लोगों को अलविदा कहा, तब उनके फैंस को ये बात भाई नहीं, जिसके बाद मिस्टर बीन के कर्ता धरता खुद मिस्टर बीन उर्फ रोवन एटकिंसन ने उसको एनिमेशन का तड़का देने का निर्णय लिया, जिसके बाद 2002 में मिस्टर बीन ने फाइनली ब्रिटिश चैनल ITV1 पर 11 मिनट के एपिसोड्स के साथ अपना कमबैक किया, जिसमें 2002 से 2004 तक कुल 52 एपिसोड्स में मिस्टर बीन टेडी मिसेस विकेट ने लोगों को अपनी कॉमेडी से खूब हंसाया। पर लोगों के बीच इसका क्रेज यही नहीं रुका और पब्लिक डिमांड की वजह से उसे 10 साल बाद 2015 में वापस से रिवाइव किया गया, जिसमें नए 78 एपिसोड्स तो बने ही, साथ ही लोगों को इसमें चुप चुप रहने वाले मिस्टर बीन की जगह डायलॉग्स बोलने वाले मिस्टर बीन से मिलने का मौका मिला। वैसे बचपन में अगर किसी कार्टून की वजह से चिल्लर पार्टी में कंस्ट्रक्शन का भूत सवार हुआ था तो वो होगा बॉब द बिल्डर, जिसको घर घर में पहुंचाने का काम ब्रिटिश राइटर प्रोड्यूसर कीथ चैपमैन ने 1999 में किया था, जिसमें बॉब अपनी दोस्त वेंडी और दूसरे वर्क व्हीकल्स के साथ मिलकर बच्चों को टीम वर्क और परिश्रम का पाठ पढ़ाते थे, जिसके चलते उसके डेब्यू के तुरंत बाद ही बॉब की पॉपुलैरिटी ने एकदम से आसमान की ऊंचाई छू ली। और इस ऊंचाई पर चार चांद तब लगे जब साल 2000 में इसकी थीम सॉन्ग कैन वी फिक्स इट को बेस्ट सेलिंग सिंगल ऑफ द ईयर के अवार्ड से सम्मानित किया गया, जिसके बाद बॉब का क्रेज बस यूके तक ही सीमित नहीं रहा और वो अपने टूल्स के साथ जर्मनी और यूएस में पहुंच गया, जहां लोगों ने इसके कॉन्सेप्ट को इतना ज्यादा पसंद किया कि यूके की क्वीन को भी बॉब पर नाज होने लगा, जिसके चलते उन्होंने 2006 में अपने 80th बर्थडे पर बॉब को खास इनविटेशन देकर बुलाया था। लेकिन इस रॉयल ट्रीटमेंट के हकदार तो 90s वाले बॉब थे। अगर आप अभी वाले बॉब को देखोगे तो शायद आप अपने बचपन पर डाउट करने लगोगे। नंबर 3, इंडिया। तुमने भी तो कुछ सोचा होगा ना चुटकी? मैं सोच रही थी। अगर आप कार्टून फैन हैं तो इस आवाज को सुनते ही समझ गए होंगे कि हमारे देश के कौन से देसी कार्टून की बात होने वाली है। होगी भी क्यों नहीं, इस कार्टून ने तो पूरी दुनिया को ये बताया है कि एनिमेशन की रेस में हम इंडियंस भी पीछे नहीं है, क्योंकि हमारे इसी देसी ये मॉडर्न भीम ने नेटफ्लिक्स पर आए अपने स्पिन ऑफ माइटी लिटिल भीम से ग्लोबल ऑडियंस के बीच दस्तक दी, जहां लोगों ने छोटे भीम को इतना प्यार दिया कि इस प्यार ने नेटफ्लिक्स के भी छप्पर फाड़ दिए। हालांकि अगर आप भूल रहे हैं तो ध्यान से सुनिए मेरी ये बात। स्पिन ऑफ को लाने से पहले छोटा भीम वो कार्टून था जिसने भीम की शक्तियों को 200 एपिसोड्स में 900 बच्चे कहे जाने वाले बच्चों को दिखाया था, जिसका क्रेडिट ग्रीन गोल्ड एनिमेशंस को जाता है, जिन्हें छोटा भीम की वजह से इंडिया में चिल्ड्रंस एंटरटेनमेंट का सबसे बड़ा ब्रांड कहा जाता है, क्योंकि ग्रीन गोल्ड एनिमेशंस के बनाए देसी लोगों के लिए देसी कार्टून छोटा भीम को 40 मिलियन व्यूअरशिप सिर्फ इंडिया से मिली है। और नेटफ्लिक्स पे तो इसके स्पिन ऑफ के लॉन्च के बाद दुनिया भर के 27 मिलियन घरों में उसे देखा गया। अब इंडिया में बने किसी और कार्टून पे बात करें, उससे पहले इसे सुनिए। नहीं याद आया? वेल, ये उस कार्टून की धुन है जिसे शायद मैंने और आपने नहीं देखा होगा, लेकिन हमारे आसपास के सभी बच्चों ने इस कार्टून को बिना भूले देखा है, क्योंकि ये कार्टून उनके लिए नए जमाने का कॉमिक स्ट्रिप लोटपोट मोटू पतलू है, जिसकी इंस्पिरेशन भी कॉस्मोस माया स्टूडियो ने लोटपोट से ही ली है। हालांकि इस नए जमाने वाले मोटू पतलू की शुरुआत कुछ साल पहले 2012 में हुई थी, जिसके बाद से आज तक उसके 13 सीजन्स बन चुके हैं, जो अपने हर नए एपिसोड में रोजमर्रा की जिंदगी कॉमेडी के तड़के के साथ बच्चों को दिखाते हैं। यही वजह है कि इंडिया में मोटू पतलू पॉपुलर चिल्ड्रन शो में से एक है। लेकिन अगर आपको ये लग रहा है कि इंडिया में ऐसे गिने चुने नए जमाने के ही कार्टून्स बने हैं तो आप बिल्कुल गलत हैं, क्योंकि छोटा भीम मोटू पतलू के अलावा हमने तेनाली रामा, गुज्जू भाई, ओगी द कॉकरोचेस का पायरेटेड वर्जन, पकड़म पकड़ाई जैसे कई कार्टून्स बनाए हैं जो ग्लोबली बच्चों को एंटरटेन कर रहे हैं। नंबर 4, जापान।
अब लिस्ट में बारी आती है उस कार्टून की जिसको शायद ही किसी इंट्रोडक्शन की जरूरत होगी, क्योंकि वो तो अपने पॉकेट से खुद ही तरह तरह के गैजेट्स निकालकर हमारे बचपन को रंगीन करता था। जी हाँ, ये वही डोरेमोन है जिसके आधुनिक कॉन्सेप्ट को दुनिया में लाने का श्रेय जापान के फ्यूजिको एफ फ्यूजियो को जाता है, जिन्होंने इस महंगा कैरेक्टर को आज से 50 साल पहले 1973 में पहली बार टीवी पर लाया था, जिसके बाद इसकी पॉपुलैरिटी इतनी बढ़ गई कि 1979 और 2005 के बीच इसके दो और वर्जन निकले। यही नहीं बल्कि 70s से लेकर आज तक डोरेमोन के कुल 43 फिल्म्स बनी हैं, जिन फिल्मों से 2020 तक उसने करीब 12,000 करोड़ का बिजनेस किया है। और करेगा भी क्यों नहीं, क्योंकि डोरेमोन का पागलपन जापान के साथ ही दूसरे एशियन कंट्रीज और US तक जो फैला हुआ है, जहां डोरेमोन के मेकर्स ने सिर्फ मर्चेंडाइज की बिक्री से ही 31,000 करोड़ की कमाई करके अपना नाम अब तक के हाईएस्ट ग्रॉसिंग मीडिया फ्रेंचाइजी में सुनहरे अक्षरों में लिखवाया है। इन देशों और वहां बनने वाले कार्टून्स के नाम को सुनकर अगर आप नॉर्थ कोरिया को अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं तो आप नहायती गलत हैं, क्योंकि 1977 से 2010 तक नॉर्थ कोरिया में भी एक कार्टून स्क्वायरल एंड हेजहॉग काफी फेमस था, जिसमें वहां की बाकी चीजों की तरह नॉर्थ कोरिया का प्रोपेगेंडा बताया था। लेकिन हैरानी की बात तो यह है कि 30 साल तक चलने वाले इस कार्टून के सिर्फ और सिर्फ 30 एपिसोड ही बने थे, विच इज एक साल में एक एपिसोड, जिसे शायद वहां के लीडर खुद ही देखते थे, और साल भर एक ही एपिसोड देखने की वजह से वो बोर हो गए थे, और शायद एपिसोड बनाने की इसी तेजी की वजह से मेकर्स ने इसे बंद कर दिया। लेकिन कई कार्टून्स ऐसे थे जो आज भी बंद नहीं हुए और उनके स्पिन ऑफ्स आए जा रहे हैं। किंतु आपको क्या लगता है, कौन से देश को अब फाइनली अपने कार्टून्स को अलविदा कह देना चाहिए? अपना जवाब हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। इसके साथ ही अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।